classes, you should watch each video carefully and do the works also on time. And many of you sent me the homeworks, so I'm very happy to see that all have done nicely. Okay, now let's move to the chapter. So पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? याद है आपको? एक पत्र देखा था हमने, है ना? उस पत्र को कहते हैं निमंत्रण पत्र. किसने किसको भेजा था निमंत्रण पत्र? यस, मीना ने अपनी सहेली निर्मल को निमंत्रण पत्र भेजा था. क्या था उस पत्र में? उस पत्र में मीना अपने गुलमोहर के पेड़ का जन्मदिन मनाना चाहती है और वो निर्मल को इनवाइट कर रही है. She wants to, Meena wants to celebrate her Gulmohar's birthday and she is inviting Nirmal for that. है ना? देखा ना आपने? उसके बाद क्या होता है? निर्मल को कुछ समझ में आता है? Did Nirmal understand the letter? No. So to clear her doubts, she called Meena on phone. है ना? निर्मल ने मीना को फोन पर बुलाया. तो मीना ने क्या बोला? मीना ने कहा कि मेरे गुलमोहर का जन्मदिन है और तुम्हें जरूर आना है. इसके पीछे एक कहानी है. इट्स अ स्टोरी बिहाइंड दिस. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द स्टोरी. हम देखें क्या है इसके पीछे जो कहानी है. ठीक है? आर यू पीपल ईगर टू हियर? यस. सो लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी. 6 मई की शाम मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है. दरी पर सफेद चादर है. एक और खाने पीने की चीजें रखी है. क्या है इसका मतलब? 6 मई की शाम, मतलब कब है गुलमोहर का जन्मदिन? 6 मई इन द इवनिंग, है ना? आपको याद है उस लेटर में, मीना के पत्र में जो टाइमिंग लिखा था, डेट लिखा था, क्या था? जब मीना लिखती है लेटर को, डेट था 4 मई, है ना? तो उसमें लिखा था परसों. परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो. तो डे आफ्टर टुमारो क्या है? 6, है ना? तो 6 को है गुलमोहर का जन्मदिन. तो 6 मई शाम को क्या होता है? मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है. तो मीना के घर में बगीचे में गुलमोहर पेड़ के नीचे, दैट इज अंडर द गुलमोहर ट्री, दरी बिछी है. दरी मतलब कार्पेट. कार्पेट इज स्प्रेड. दरी पर सफेद चादर है. एक और खाने पीने की चीजें रखी है. तो दरी के ऊपर सफेद चादर, सफेद मतलब व्हाइट, व्हाइट कलर बेडशीट इज स्प्रेड ऑन द कार्पेट. एक और, एक मोर एट वन साइड खाने पीने की चीजें रखी. खाने पीने की चीज मतलब ईटेबल्स. विल अरेंज ईटेबल्स फॉर मेनी डिशेस एंड स्वीट्स एंड ऑल फॉर द पार्टी. नो, सो मीना ऑल्सो अरेंज ऑल दोस थिंग्स एंड इट वॉज अरेंज एट द साइड. एक साइड में रखा था खाने पीने की चीजें. चीजें मतलब थिंग्स. निर्मल, चंपा, कुलवंत, पुष्पा, नसीम, बानू और शीला बातें करती चली आ रही हैं. सबके हाथों में उपहार है. क्या मतलब है इसका? कौन कौन आ रहे हैं? कौन है ये लोग सब? ये सब मीना की सहेलियां हैं, है ना? तो ये सब मीना के गुलमोहर के जन्मदिन पर वो लोग सब आ रहे हैं. कैसे आ रहे हैं? बातें करती चली आ रही है. बातें करती मतलब टॉकिंग है मेरा कमिंग. सबके हाथों में उपहार है. देखा था चित्र में सबके हाथों में क्या है? सबके हाथों में उपहार है. उपहार मतलब गिफ्ट. व्हेन वी गो फॉर सम बर्थडे पार्टी और विल गेट गिफ्ट, नो, हम अपने दोस्तों को गिफ्ट देते हैं ना जन्मदिन पर. वी ऑल्सो गिव गिफ्ट टू आवर फ्रेंड्स, नो. सो हियर मीनास फ्रेंड्स ऑल्सो ब्रॉट अ गिफ्ट. ओके, तो गिफ्ट को कहते हैं उपहार. सबके हाथों में उपहार है. मीना, दिखाओ तो वो गुलमोहर कहाँ है? निर्मल बोली. निर्मल से मीना, शो द गुलमोहर ट्री. सो दे आर सो ईगर टू सी द ट्री. आओ आओ यह देखो. सो शी सेइंग कम कम एंड सी. मीना ने बगीचे में उन्हें गुलमोहर का वृक्ष दिखाया. मीना शोड देम इन द बगीचा. मींस व्हाट? बगीचा इज गार्डन. मीना ने बगीचे में उन्हें गुलमोहर का वृक्ष दिखाया. गुलमोहर का वृक्ष मतलब पेड़. वृक्ष इज पेड़, ट्री. तो मीना शोड देम द ट्री इन द गार्डन. हाउ इज द ट्री नाउ? दे आर डिस्क्राइबिंग द ट्री. सो ब्यूटिफुल. कोमल कोमल पत्तियों वाला एक सुंदर वृक्ष. कैसा है वृक्ष? कोमल कोमल पत्तियों वाला. दैट इज द लीव्स ऑफ द ट्री आर
Komal means soft. Leaves are soft and it's a beautiful tree. पत्तियों के बीच में से लाल और केसरिया रंग के सुंदर फूल झांक रहे थे. पत्तियों के बीच में से between the leaves these flowers. क्या कौन से फ्लावर्स? लाल और केसरिया. लाल means red और केसरिया is saffron color, is orange color. So these flowers were झांक रहे थे. These beautiful flowers were peeping out through the in between the leaves. That is एक्टिनोका वाइन. झांक रहे थे means एक्टिनोका. अब ऊपर लेंगे तो भी यानी हेलर रहते हैं इन एक्टिनोका वाले तो भी. मानो मीना की सहेलियों को देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रही है. So it looked as if the flowers are slowly smiling at the friends. Meena's friends are standing there, no? So the flowers were like smiling to the friends. Okay. Then what happened? Now see children, here we can do one thing. There is an activity here for you. I can see on the screen. Meena ki saheliya uske ghar pahunchi. Bagiche ke samne ek poster lagaya tha. Wo poster kaisa hoga? So here they are saying Meena ki saheliya uske ghar pahunchi. Meena's friends reach her home. Bagiche ke samne in front of the garden ek poster lagaya tha. There was a poster was fixed there. Wo poster kaisa hoga? How the poster will look? So here we have to see, we have to make the poster. Okay? So आप लोग तैयार हैं पोस्टर बनाने के लिए? कैसे बनाते हैं पोस्टर? पता है ना? हाँ? Proper outline होना चाहिए और उसमें proper विषय क्या है, उस विषय को अच्छे से highlight करके लिखना है. हाँ? इसमें क्या है? इसमें गुलमोहर का जन्मदिन है विषय, तो उसको आपको highlight करके लिखना है. हाँ? और सुंदर सा बनाना है. You have to make it attractive. है ना? पोस्टर का उसका यूज पता है ना आपको? तो पोस्टर कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए. आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव. तो उसके लिए आपको कोई चित्र बनाना होगा. या आपको शो या ड्रॉ सम पिक्चर है. पोस्टर में चित्र होना चाहिए ना? और संदेश वाक्य होना चाहिए ना? और फिर ये जन्मदिन कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, विच प्लेस, विच इज अ प्लेस, विच व्हाट इज अ टाइम, दैट आल्सो शुड बी मेंशन. नो, सो स्थान, तारीख और समय, प्लेस, डेट एंड टाइम शुड बी मेंशन. सो टेक केयर, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू शुड बी देयर इन द पोस्टर. ओके, सो ट्राई इट, विल एंजॉय इट. ओके, सो अब क्या हुआ? नेक्स्ट क्या हुआ? मीना की सहेलियों ने उस पेड़ को देखा, उनको बहुत अच्छा लगा. उसके बाद जन्मदिन की बधाई को गुलमोहर निर्मल ने हंसकर कहा. नाउ निर्मल इज विशिंग दैट ट्री. व्हाट इज शी सेइंग? जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर. बधाई हो क्या होता है? बधाई मतलब विशेस, ग्रीटिंग्स. वी विल सेंड ग्रीटिंग्स, नो, ग्रीटिंग कार्ड्स टू अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर डिफरेंट ओकेशंस, है ना? वी हैव सेंड, नो, फॉर बर्थडे और ऑफिस के लिए भेजते हैं. न्यू ईयर ग्रीटिंग्स भेजते हैं, फिर दिवाली के लिए भेजते हैं ना, फॉर डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड ऑल वी विल सेंड, है ना? सो हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड. तो ग्रीटिंग कार्ड को कहते हैं बधाई पत्र. तो आपको जन्मदिन की बधाई का बधाई पत्र बनाना है. हाँ, तो आप स्क्रीन में आपको दिखेगा सुंदर बधाई पत्र कैसे बनाते हैं. देखा आपने, तो उसमें क्या क्या लिखा है? उसमें पहले होना चाहिए संबोधन, दैट इज सैल्यूटेशन. आप किसको लिख रहे हैं? जैसे प्रिय मित्र या प्रिय सहेली, हाँ, ऐसे आपको लिखना है. उसके बाद आपको जो मैसेज है वो होना चाहिए, जैसे जन्मदिन मुबारक हो या जन्मदिन की बधाई, हाँ, या जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना? दिख रहा है आपको? वैसे अच्छा मैसेज लिख के आपको सुंदर सा चित्र भी बनाना है. और ये आप चार्ट पेपर में कर सकते हैं. चार्ट पेपर को काट कर, जब काट कर चार्ट पेपर है, यू कैन डू, यू कैन डू इन शीट, यू कैन डू. ओके, सो ट्राई दिस चिल्ड्रन. बधाई पत्र, बधाई कार्ड आप देखिए, ट्राई करें. हाँ, करेंगे ना? ठीक है, सुंदर सा कार्ड होना चाहिए, उसमें चित्र भी अच्छा सा होना चाहिए. हाँ, आकर्षक होना चाहिए. आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव. और मैसेज भी होना चाहिए, जन्मदिन का ही बना सकते हैं. ठीक है, तो ट्राई करके मुझे सेंड करें. अब आगे क्या होता है कहानी में? जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर, निर्मल ने हंसकर कहा. तो निर्मल ने ट्री को विश किया. मीना, अब बताओ
मनोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? निर्मल ने पूछा. तो निर्मल इज आस्किंग. पूछा मीन्स आस्क. सो मीना अब नाउ टेल व्हाई यू सेलिब्रेटिंग इट्स बर्थडे. शी आस्किंग. यह बेचारा पिछले रविवार को ही कटा जाने वाला था. मीना बोली. सो शी सेइंग मीना इज सेइंग यह बेचारा मीन्स दिस पुअर थिंग इट वाज टू बी कट लास्ट संडे. पिछले रविवार. रविवार को कौन सा डे होता है? संडे. सो पिछला मीन्स लास्ट. लास्ट संडे को ही दिस ट्री वाज टू बी कट. मीना सेड. क्यों? सो फ्रेंड्स आर आस्किंग व्हाई दे आर वंडरिंग व्हाई. क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रहे थे. मीना इज टेलिंग देम क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रहे थे. बिकॉज फ्लावर्स वर नॉट कमिंग टू दिस ट्री. छह साल पहले घर तैयार हो जाने के बाद माँ ने बगीचा लगवाया. छह साल पहले शी इज टेलिंग अबाउट सिक्स इयर्स एगो व्हाट हैपेंड. सो सिक्स इयर्स एगो दे हैड देयर न्यू हाउस. सो इन दैट हर मदर सेट द गार्डन. सेट द गार्डन नो. सो हर मदर ऑल्सो सेट द गार्डन. हरी घास लगवाई. फूलों की क्यारियां बनवाई. हरी घास. घास क्या होता है? ग्रास. तो ग्रीन कलर का ग्रास क्रॉस प्लांटेड. एंड फूलों की क्यारियां बनवाई. क्यारियां मतलब फ्लावर बेड कहते हैं ना. बिफोर प्लांटिंग द प्लांट्स सैपलिंग्स व्हाट वी डू वी मेक अ फ्लावर बेड है ना. फॉर रो ऑफ प्लांट्स विल अरेंज द गार्डन लाइक दैट. सो दैट इज कॉल्ड फूलों की क्यारियां. रो ऑफ फ्लावर फ्लावर्स फ्लावरिंग प्लांट्स. फूलों की क्यारियां बनवाई. एंड अमरूद आम और गुलमोहर के दो दो पौधे लगवाए. देन अमरूद. अमरूद क्या होता है? खोया का वरी गोबर. आम मैंगो. और गुलमोहर के दो दो पौधे. एंड गुलमोहर ऑल्सो टू प्लांट्स दे प्लांटेड. एक में से लाल और दूसरे में से पीले रंग के फूल निकलने चाहिए थे. तो वन ट्री वॉज द गुलमोहर प्लांट नो. टू प्लांट्स वर देयर. सो वन प्लांट वॉज ऑफ रेड फ्लावर एंड अनदर वन वॉज ऑफ येलो फ्लावर. पेड़ लगने के कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए. सो आफ्टर प्लांटिंग दिस आफ्टर सम इयर्स देयर इज द येलो वन स्टार्टेड ब्लूमिंग. फ्लावर स्टार्टेड कमिंग. बट लेकिन इस पेड़ पर चौथे साल भी फूल नहीं आए. बट आफ्टर फोर इयर्स ऑल्सो इन दिस ट्री द रेड वन नो दिस ट्री फ्लावर्स डिडंट ब्लूम एट ऑल. तो बच्चों लाल रंग वाले पेड़ में लाल रंग के फूल वाले पेड़ में चार साल बाद भी फूल नहीं आता. मीना कहती है अपने दोस्तों से. तो हम आगे देखेंगे क्या होता है अगली क्लास में. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास विल सी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी नेक्स्ट. तो आज इसमें आज की क्लास में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज है आपको. हाँ याद है मैंने क्या बोला था? आपको बधाई कार्ड बनाना है और एक पोस्टर भी बनाना है. जन्मदिन का पोस्टर, गुरुमोहन के जन्मदिन का पोस्टर भी है और बधाई कार्ड भी बनाना है. तो बच्चों टेक केयर.